गुड मॉर्निंग एवरी वन गुड मॉर्निंग आज एक्चुअली मैं टॉपिक देखूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है ना जैसे कि मैंने बोला था पांच तारीख से मैं आप लोगों के लिए रेगुलर आऊंगा आप लोगों के लिए लास्ट क्लास में बताया था कि आ, आपको इंटीमेट किया था कि पांच दिसंबर है ना इससे आपकी क्लास में मैं रेगुलर आऊंगा ओके और एक अच्छे अच्छे टॉपिक को लाऊंगा साथ में साथ हो सकता है कि मशीन एक ग्रंथ को मैं फिर से स्टार्ट करूं मशीन एक ग्रंथ जो है इसको मैं फिर से स्टार्ट करूंगा ओके सो so, आज का टॉपिक पहले मैं देख लेता हूं फिर लास्ट में इसके बारे में चर्चा करूंगा ठीक है तो सर क्या है आज का टॉपिक अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इन डीसी जनरेटर, डीसी जनरेटर में भी कोई टॉर्क है क्या सर डीसी जनरेटर में अपन क्या करते हैं घुमाते हैं चीजों को है ना यानी मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्या करते हैं सर मैकेनिकल एनर्जी देके इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं तो फिर आप टॉर्क की चर्चा क्यों कर रहे हो करना पड़ेगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को जानना पड़ेगा और इसके लिए मशीन को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तो डीसी मशीन में हम आज एक टॉपिक लिए हुए हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क तो आज इसी की चर्चा में करूंगा और इसी तरीके से रेगुलर आपके टॉपिक आते जाएंगे आइए मैं यहां पे बात कर लेता हूं सर आपको अगर मैं बात करूं कि डीसी जनरेटर है ना देखिएगा एक एक चीजों को मैं बात करता हूं डीसी जनरेटर आपके दिमाग में आता है सर आप मैकेनिकल एनर्जी दो और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप ले लेते हो तो फिर यहाँ पे टॉर्क की बात क्या आती है तो टॉर्क तो यानी आप तो मोशन देते ही हो तो टॉर्क कहाँ से उत्पन्न हो गया मोटर में टॉर्क उत्पन्न होता है सप्लाई इलेक्ट्रिकल देते हैं तो टॉर्क उत्पन्न होता है लेकिन जनरेटर में कैसा टॉर्क तो यहाँ पे एक टर्क टर्म आता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इलेक्ट्रो पोल आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा क्या इलेक्ट्रो पोल तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल क्या होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने से जो पोल डेवलप होते हैं दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल और यहां पे नाम क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ओके तो आइए चीजों को समझते हैं क्या होता है जब जनरेटर में पहले शॉर्ट में बताता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं क्या होता है जब जनरेटर को किसी खास डायरेक्शन में घुमाया जाता है अगर मैं मानू कि एक जनरेटर है और इस जनरेटर को अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में घुमाया जाएगा तो ऐसे कंडीशन में जिस डायरेक्शन में आप घुमाते हो जनरेटर तो हमेशा उसी डायरेक्शन में घूमेगा इसमें कोई शक नहीं है लेकिन हम कहते हैं कि इस जनरेटर में इस जनरेटर में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क उत्पन्न होता है जो आपके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का उल्टा होता है जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का उल्टा होता है इसी को बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ओके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन भी आपके बनते हैं और आपसे पूछा जाता है आपसे कि आपका जो है जनरेटर के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क बनता है वो आपके डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का सपोर्ट करता है या विरोध करता है तो यहां तो हम देखने सर विरोध करता है लेकिन ये कैसे करता है इनकी चर्चा होगी क्लियर तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जेनरेटर में उत्पन्न होता है ध्यान से जनरेटर में भी उत्पन्न होता है मोटर में तो होता ही है जेनरेटर में भी उत्पन्न होता है जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का हमेशा विरोध करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का विरोध करता है जिस डायरेक्शन में आप घुमाओगे वो उसका विरोध करेगा तो हम दो तरीके से इसको बेहतर तरीके से समझाने वाले हैं आप लोगों के लिए चलिए गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग दो तरीके से इसको मैं बेहतर तरीके से समझाऊंगा कि कौन कौन वो दो तरीके हैं जिससे आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क को अच्छे से समझ पाओ कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का उल्टा कैसे और क्यों होता है आइए मैं बात कर लू सबसे पहले मैं अगर बात कर लूँ तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिकल मोटर को आपको इलेक्ट्रिकल मशीन को देखना पड़ेगा इसको कॉन्फ़िगर करने होंगे थोड़ी सी आइए मैं करता हूं इसको कि किस तरीके से इसको आपको समझना चाहिए वेट मैं एक एक चीज को डील करूंगा अभी एक एक चीज को डील करूंगा अच्छे से बस आप लोग समझते जाइएगा एक सेकेंड एक सेकेंड रुकिएगा मैं सब चीज़ एक एक चीज़ को क्लियर करूँगा यहाँ पे जी आइए ये।, ये मैं बना रहा हूँ जेनरेटर ओके ये मैं बना रहा हूँ जेनरेटर आइए जी एक एक चीजों को समझेंगे यहाँ पे अच्छे से ये हमारा क्या होगा जी सर ये तो होगा हमारा स्टैटर ओके ये क्या होगा और ये कौन सा हिस्सा होगा सर रोटर ये कौन सा हिस्सा होगा रोटर और इस पे कंडक्टर्स होंगे तो बहुत ज्यादा कंडक्टर मैं नहीं दिखाता हूँ फिलहाल रिप्रेजेंट करता हूं कि यहाँ एक कंडक्टर स्लॉट बने होंगे और यहां भी एक कंडक्टर स्लॉट बनेंगे ओके दो को ही फिलहाल मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि कंडक्टर के स्लॉट्स बने होंगे और यहां पर अगर बात करोगे आप तो कंडक्टर इसमें होगा कंडक्टर इसमें होगा यहां भी कंडक्टर इसमें होगा ठीक है ना कंडक्टर इसमें होगा अब डॉट क्रॉस की बात हम बाद में कर लेंगे तो यहां पे आप इतना समझो कि सर इसमें कंडक्टर होंगे ठीक है ना चलिए अब मैं यहां बात कर लेता हूं इस मशीन में ये देखिएगा आपको पता है सर इस मशीन के अंदर क्या होगा आपको पता है इस मशीन में एक एन पोल होगा और दूसरा एस पोल होगा ओके अगर ये जेनरेटर है अगर ये जेनरेटर है तो सर इसको किसी एक्सटर्नल मीन्स से घुमाया जाता होगा ये अगर जेनरेटर है तो ये किसी एक्सटर्नल मीन्स से घुमाया जा रहा होगा ओके अब देखिए जब ये एक्सटर्नल मीन्स से घुमाया जा रहा होगा तो ऐसे कंडीशन में ऐसे कंडीशन में सबसे पहले कि सर इस पर तो कंडक्टर है इसमें तो कंडक्टर है इस स्लॉट में भी कंडक्टर है और जब इस फील्ड में अगर ये एन टू एस है तो यहाँ सर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो कर रहा होगा है ना अब देखना जब किसी अल्टरनेटर को आप घुमाते हो जब किसी अल्टरनेटर को क्या करोगे घुमाओगे किसी फील्ड के अक्रॉस किसी फील्ड के अक्रॉस ये पोल पोल जो है 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 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अपने आप में है, ना तो इस फील्ड को कट करेगा ये कंडक्टर ये कंडक्टर क्या करेगा लगातार कट करेगा इसको क्या करेगा जी कट करेगा अगर ये कट करता है तो इस कंडक्टर पे क्या उत्पन्न होता है आपको पता होना चाहिए सर इस कंडक्टर पे तो ई प्रोड्यूस होता है क्या होता है इस कंडक्टर पे एम e एफ उत्पन्न होता है क्या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ जिसको वोल्टेज आप कहते हो क्या कहते हो वोल्टेज चलिए सर वोल्टेज तो बात वोल्टेज तक बात सही रही लेकिन जैसे ही इस कंडक्टर में कम्यूटेटर और ब्रश के थ्रू जो वायर निकालोगे जैसे ही कम्यूटेटर और ब्रश के थ्रू वायर निकलेगा और जब इस पे लोड कनेक्ट होगा जब इस पे क्या होगा कोई भी लोड आप कनेक्ट करते हो ध्यान रखना है यहां पे, कोई भी अगर लोड आप कनेक्ट करोगे तो क्या होगा अभी तक जब तक लोड कनेक्ट नहीं था ध्यान समझिए जब तक कोई लोड कनेक्ट नहीं है तब तक इसमें सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज उत्पन्न हो रहा था लेकिन जैसे ही अगर आपने क्या किया लोड लगाया तो अब इस लूप में क्या हुआ करंट भी सर्कुलेट करने लगा क्या किया करंट सर्कुलेट करने लगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है जब किसी वाइंडिंग कंडक्टर में करंट उत्पन्न होने लगता है

सर अगर बात जेनरेटर की होगी अगर बात किसकी होगी जेनरेटर की तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा तो राइट हैंड रूल अगर लगता है तो यहां पर लगाइए कि ए, एक मशीन है जनरेटर में आप रोटेशन कैसे दे रहे हो ऐसे घुमा रहे हो कैसे दे रहे हो रोटेशन ऐसे प्रोवाइड कर रहे हो रोटेशन इस तरीके से ठीक है ना रोटेशन कैसे है इ, इस तरीके से है और फ्लक्स कैसे जा रहा है इधर तो देखिए इस इस जगह पे इस जगह पे जो है करंट कैसे जा रहा है डॉनवर्ड अगर आप थंब रूल लगाओगे राइट हैंड फ्लेमिंग एक का रूल लगाओगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन देखो एन टू एस टॉर्क का डायरेक्शन ऐसे घुमा रहे हो ना ऐसे घुमा रहे हो तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या है ऊपर की ओर कलर चेंज कर देता हूं मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूं टॉर्क का डायरेक्शन क्या है सर ऊपर की ओर यानी ऐसे है टॉर्क का डायरेक्शन तो बताइए कि यहां पे इस कंडक्टर में जो करंट उत्पन्न हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है जो यहाँ पे करंट उत्पन्न हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है अब मुझे ये पता करना है के okay, तो अब यहां मैं डायरेक्शन दूंगा तभी पता चलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमारे डायरेक्शन ऑफ रोपोटेशन का सपोर्ट करता है या विरोध करता है आइए मैं अब चर्चा कर लू यहां पे तो देखिए यहां की मैं अगर बात करूं तो देखिए राइट हैंड रूल लगाया ऊपर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क फील्ड का डायरेक्शन ये तो धंस रहा है करंट उधर जा रहा है तो यहां पे जो वाइंडिंग होगा उसमें डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा क्रॉस तो जाने वाले क्रॉस को हमेशा क्या रिप्रेजेंट करते हैं जाने वाला है ना जाने वाला क्रॉस को रिप्रेजेंट जैसे ट्रेन में पीछे क्रॉस जब गुजर जाता है तो क्रॉस दिखाई देता है और डॉट जब दिखे तो ये रिप्रेजेंट होता है आने वाला ओके ये किसको रिप्रेजेंट करता है जी आने वाला इसका मतलब जो करंट यहां से गया तो उधर से लौट के आ रहा होगा तो यहां पर क्या रिप्रेजेंट करूं डॉट यहां पे क्या रिप्रेजेंट करना पड़ेगा अपने को डॉट अब समझिए अगर इस आर्मेचर पर ये तो आर्मेचर है जहां पे वाइंडिंग की गई है और वाइंड्स वाइंडिंग में करंट उत्पन्न हो गया अब इसी करंट कैरिंग कंडक्टर अगर कहीं वाइंडिंग किया गया है उसमें करंट उत्पन्न हो गया है तो वो भी क्या करेगा वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल का कर निर्माण करेगा क्या करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे इस पोल पे इस पोल पर भी हम क्या करते हैं जी हम क्या करते है? पोल हुए है. अगर, अगर करंट का, का क्या हो रहा है फ्लो हो, हो, हो रहा है तो इस कंडीशन में यह पोल का कर निर्माण करेगा अब कैसा पोल समझिए जब करंट इधर से जा रहा उधर से आ रहा है जब करंट क्या कर रहा है देखिए इधर से जा रहा इधर से आ रहा है इधर से

चलने लगा तो ये भी पोल का निर्माण करेगा अपने आप में तो करंट ऐसे जाएगा और ऐसे लौटेगा तो करंट जाएगा तो ये फ्लक्स डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स दिखाता है मतलब एन पोल यहां बना एस पोल यहां बना ताकि ये फ्लक्स एन टू एस जाएगा ये क्या करेगा ये दिखाता है हमेशा किसी कंडक्टर में आपको पता है अगर डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है तो फ्लक्स का डायरेक्शन ये होगा या फिर डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऐसा है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा ये होगा ओके okay, तो अब देखिए इसका मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि ये हमारा क्या है जी एक सेकंड के लिए देखिए एन टू एस फ्लक्स है तो डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा होगा देखिए एन टू एक्स फील्ड है तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है ऐसा है अब देखिए इसके कारण पोल का निर्माण हुआ आपने इस जनरेटर में इस जनरेटर का रोटेशन क्या है सर इधर ये जनरेटर का रोटेशन क्या है ये क्या है रोटेशन ऑफ जनरेटर ये क्या है जी रोटेशन ऑफ साफ्ट साफ्ट या जनरेटर्स उसका रोटेशन है ओके okay, लेकिन ये पोल अब क्या करेगा देखो यहां से ऑलरेडी कैसा पोल है है एस पोल है, यहां कैसा पोल है एंड पोल तो कभी एस टू एस अगर मैं इस एस से इस एस की चर्चा करूं कभी आपस में क्या अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा नहीं सर ये तो रिपेल करेगा इसका मतलब जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल उत्पन्न हो रहा है वो क्या करता है हमेशा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का विरोध करता है वो हमेशा क्या करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का विरोध करता है कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क ओके क्लियर ये देखिए ये एस कभी इसके साथ क्लोज नहीं होने की कोशिश करेगा लेकिन आपका फोर्स इतना ज्यादा होगा यहां पे फोर्स इतना स्ट्रॉगर होगा जिसके कारण क्या होता है हमेशा डायरेक्शन ऑफ रोटेशन अपने ही दिशा में चलता है लेकिन एक ऐसा टॉर्क तो है वो भाग वो भले ही बहुत कम फोर्स का है लेकिन वो हमेशा क्या कर रहा होगा

इन जेनरेटर इन जेनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इलेक्ट्रो मैग्नेटिक टॉर्क ऑल्सो प्रोड्यूस ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क भी होता है क्या प्रोड्यूस हुईच इज जो कि क्या करता है विच अपोज जो हमेशा विरोध करता है अपोज दी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ जनरेटर, ऑफ जनरेटर के डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का हमेशा विरोध करता है तो ये एक तरीका है जिससे आप समझ पाओ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जो होता है वह जनरेटर में भी होता है ऐसा नहीं कि जनरेटर में सिर्फ ईएमएफ उत्पन्न होता है ई तो उत्पन्न होता है लेकिन यह भी टॉर्क प्रोड्यूस करता है लेकिन वो लिस्ट होता है कम हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पावरफुल रोटेशन देते हैं क्या करते हैं पावरफुल रोटेशन देते हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमारा क्या होता है मिनिमाइज कम पड़ जाता है और हमेशा जिस डायरेक्शन में घुमाता हूं उसी डायरेक्शन में घूमता है लेकिन यहां भी एग्जिस्ट करता है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जनरेटर में तो होता ही है तो हम जनरेटर में भी इनकी चर्चा आगे कर लेंगे लेकिन अभी जनरेटर में आई होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है ये क्लास कितनी दिन चलेगी आजकल हम आप लोगों को भूल गए नहीं जी मैं अब रेगुलर क्लास चलेगा डोंट वरी मैं किसी को नहीं भूला हूं अब क्लास कुछ दिन था ऐसी परेशानी जिसके कारण मैं क्लास आप लोग का नहीं ले पा रहा था बट डोंट वरी मैं रेगुलर क्लास लूंगा और मैं बोला हूं कि पूरे आरआरबी के एग्जाम तक हमारी क्लास चलेगी और सीरीज को मैं लगातार कंटिन्यू करूंगा इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहेंगे बिल्कुल ओके okay, तो ये सारी चीजें हैं किसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के बारे में दूसरा चीज सर अगर एक मेथड से हमने नहीं समझा हालांकि बहुत बेहतर तरीके से मैंने समझाया है फिर भी सर ये नहीं समझा तो मैं दूसरा मेथड भी बताता हूं समझिए होता क्या है पहले आपने इसको जनरेटर बनाने के लिए इसको घुमाया और पोल के इर्दगिर्द इसको कट करवाया इसके कंडक्टर को तो इसके कंडक्टर में ईएमएफ उत्पन्न हुआ ईएमएफ उत्पन्न हुआ तो लोड अगर लगा दूं मैं स्विच ऑन कर दूं तो लोड में करंट सर्कुलेशन हुआ जब करंट सर्कुलेशन हुआ तो ध्यान रखिएगा हमेशा जब कहीं पे करंट प्रोड्यूस कराते हैं हम किसी में रिलेटिव मोशन देके

करंट उत्पन्न होता है अगर लोड लगा हो तो करंट उत्पन्न हुआ करंट क्या करेगा हमेशा उसका विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है करंट क्या करता है हमेशा उसका विरोध करता है जिसके कारण वो उत्पन्न हुआ है सो so, किसका विरोध करेगा जी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का इसी के घुमाने के कारण क्या हुआ ये करंट उत्पन्न हुआ है तो करंट हमेशा अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है और एक

स्टार्ट करें तो, क्या आने आराम सो जाएगा, तो आज का जो मैंने एक टॉपिक उठाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में होता है जनरेटर के अंदर भी होता है अगर यहां भी टॉर्क का इक्वेशन भी चाहिए तो टॉर्क के लिए जैसे एक चीज और ध्यान समझना इस ये जो जनरेटर है ये जनरेटर में क्या होगा जी ये एक फोर्स अनुभव करता है ये फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है कंडक्टर एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स अगर मैं टॉर्क की बात करूं तो ये टॉर्क किसके समानुपाती या कितना होता है तो कंडक्टर क्या करता है जी कंडक्टर एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस ए फोर्स क्या करता है एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ये फोर्स किसके बराबर होता है बी आई एल जहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आई करंट एल लेंथ ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता है सर बी क्या है यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होगा आई क्या है इसमें जाने वाला करंट का मान होगा और लेंथ क्या होगा इस आर्मेचर पे टोटल लंबाई होगी वो उसका कंडक्टर कंडक्टर तो कितना टॉर्क महसूस करता है तो हम कह, कहेंगे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं ये मान लू कि इस कंडक्टर का इस साफ्ट के क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा ध्यान से समझिएगा अगर इस साफ्ट का कंडक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना होगा जिसको मैं स्मॉल डी कहता हूं, तो ये क्या है जी? लेकिन एक अल्टरनेटर में भी टॉर्क जो होता है फाइनली जब इसको एक्सप्रेस करेंगे, का, का करेंगे इसको पूरा एक्सप्रेशन देंगे तो यहां भी टॉर्क जो है इस आर्मेचर के करंट और फील्ड पर भी निर्भर करेगा यहां पर भी एक जनरेटर के लिए भी अगर टॉर्क की बात करें तो वो उस कंडक्टर में उत्पन्न करंट और वहां के मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करता है ठीक है गुरु जी आपसे पढ़ के तीन टेस्ट क्लियर हुए क्या बोल रहे हो एक स्टूडेंट है कह रहा है दिनेश चौधरी आपको आपके तीन अच्छा आपको पढ़ के तीन टेस्ट क्लियर हुए हिमाचल लाइनमैन सब स्टेशन असिस्टेंट पावर पावर हाउस इलेक्ट्रीशियन एंड सर सर प्रीवियस ईयर्स एच पी जेई के फाइनल में वन पॉइंट फाइव मार्क्स से बाहर हुआ चलिए बहुत अच्छा बहुत अच्छा जी आप लोग करिए अच्छे तैयारी है ना मैं ही काफी दिनों से एबसेंट जरूर रहा हूँ पर मैं मेरी पूरी कोशिश होगी कि अब मैं आपके लिए रेगुलर कंटेंट दूंगा और रेगुलर आपके लिए लगा रहूंगा है ना चाहे कुछ भी हो जाए आरआरबी के लिए मैं लगा रहूंगा आपके लिए कुछ भी मेरे कई बार होते हैं क्या है एक्चुअली मैं बताऊं कि मेरे पास प्रॉपर जिस टाइम मैं चाहता हूं उस टाइम हमारे हो सकते हैं पोस्टर तैयार नहीं हो पाते या कुछ ऐसा भी इवेंट्स होता है जिसके कारण हम सडन बहुत सारी चीजों को ले नहीं पाते और जो चीज सोचते हैं कि कल अब लेंगे वो फिर कल वो चीज एंगेजमेंट हो जाता है किसी और चीज को करने लगते हैं इसलिए चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती सो अब चाहे हमारे पास पोस्टर हो ना हो हम अपने कंटेंट so, किस तरीके से होता है मोटर में तो होता है जिसके कारण वो घूमता है लेकिन जनरेटर में भी होता है जो साइलेंट होता है होता और इससे ऑब्जेक्टिव कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन का सपोर्ट करता है या विरोध करता है किस तरीके से उत्पन्न होता है अगर हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हमको वर्किंग भी समझने में और ज्यादा आसानी होती है ओके okay, तो आई होप सो आप लोग इसको एंजॉय करोगे अपकमिंग सारे सेशन हमारे उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जितना कि आज का सेशन मैं एक चीज और बताना चाहूंगा मशीन एक ग्रंथ में डीसी मशीन हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं पहले हमने ट्रांसफार्मर सेक्शन को किया अब हमारा जो अपकमिंग सेशन चलेगा डीसी मशीन आप लोग उसके लिए तैयार रहेंगे हम लगातार सेशन उसको देने वाले हैं 102 दिन में आपका शेड्यूल हो जाएगा कोशिश करें ज्यादा की संख्या, से ज्यादा संख्या में आप लोग प्रेजेंट रहेंगे ताकि हम इन चीजों को काफी बेहतर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर पाए ओके थैंक यू विश यू ऑल द बेस्ट है ना फॉर अपकमिंग एग्जाम थैंक यू